तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन एनर्जेटिकली डी एन एर एप्लीकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस द एनर्जी ड्यूरिंग द पॉलीमेराइजेशन ऑफ न्यू स्ट्रेंड इज प्रोवाइडेड बाई तो ये बोला है कि डी एन एप्लीकेशन जो होता है एनर्जेटिकली बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है बहुत महंगा प्रोसेस होता है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी खर्च होता है और और जब डीएनए एन होता है ड्यूरिंग डीएनए एन एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड एनर्जी फॉर द रेप्लीकेशन इज प्रोवाइडेड बाय तो एनर्जी जो होता है बेटा पहला गलत है दूसरा गलत है तीसरा सही है डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉसफेट जो डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड है डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लोसाइड ट्राइफॉसफेट ये एनर्जी प्रोवाइड करता है इसका डुअल फंक्शन है इसको हम बोलते हैं डी एन टी पी ध्यान देना इसको हम बोलते हैं डी एन टी पीज डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट मतलब इसमें डी ए टी पी डी सी टी पी डी जी टी पी डी टी टी पी चार होता है तो ये पता है इसका डुअल काम है डी एन टी पी का डबल काम है डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट का डबल काम है एक तो ये डी एन ए पॉलीमरेज इंजन का सबस्ट्रेट है इट फंक्शन एज सबस्ट्रेट फॉर इंजन डी एन ए पॉलीमरेज एज वेल एज इट प्रोवाइड्स एनर्जी तीन फॉस्फेट है इसमें तो इसका Alpha, तीन फॉस्फेट है अल्फा बीटा और गामा तीन फॉस्फेट होता है ट्राई फॉस्फेट में तो इसका जो बीटा और गामा फॉस्फेट है वो ब्रेक करता है वो बॉन्ड जो होता है ना वो ब्रेक करता है दो फॉस्फेट बाहर निकलता है आई पी पी या पी पी आई दो फॉस्फेट निकलेगा इनऑर्गेनिक पायरो फॉस्फेट निकलेगा बाहर और वही एनर्जी देगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को डीएनए एन ए बहुत फास्ट होता है बहुत एक्यूरेट होता है एज वेल एज बहुत फास्ट एक सेकंड में कई सारे बेस फेयर ऐड कर देता है इतना फास्ट एनर्जी कहाँ से आता है उसको डीएनटीपी से मिलता है डीएनटीपी एन टी पी भी काम करेगा एज वेल एज एनर्जी भी देगा भाई ठीक है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आर इज नॉट सिंथसाइज बाई आर पॉलीमरेज फर्स्ट तो क्वेश्चन है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है कौन सा ग्रुप ऑफ आर नहीं बनेगा तो आपने पढ़ा है कि यू में डिवीजन ऑफ लेबर होता है यू में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो डिवीजन ऑफ लेबर होता है आर एन के बीच में यू में तीन आर एन होते हैं आर एन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीन आर एन है और तीन आर एन के लिए तीन आर एन पॉलीमरेज है आर एन पॉलीमरेज फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फर्स्ट वाला आर आर एन ए सेकेंड वाला एच एन आर एन ए जो प्रोसेस होकर एम आर एन ए बनता है थर्ड वाला जो होता है थर्ड वाला जो होता है वो टी आर एन ए बनाता है ये तो बेसिक है लेकिन इसमें भी कुछ अंदर की बातें हैं अंदर की बातें ये हैं कि जो आर एन ए पॉलीवरेज फर्स्ट है वो आर आर एन ए बनाता है लेकिन फाइव एस आर एन ए नहीं बनाता फाइव एस आर एन ए नहीं बनाता वो आर एन ए पॉलीवरेज थर्ड बनाएगा और आर एन ए पॉलीवरेज सेकेंड जो है एच एन आर एन ए बनाएगा जो प्रोसेस होकर एम आर एन ए बन जाएगा उसके अलावा माइक्रो आर एन ए भी बनाएगा और जो थर्ड वाला है वो टी आर एन ए बनाएगा उसके अलावा फाइव एस आर आर एन ए और एस एन आर एन ए स्मॉल न्यूक्लियर आर एन थर्ड बनाएगा तो देखिए विच फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आर एन एज नॉट सिंथेड बाई आ पॉलीमरेज फर्स्ट तो यहां पे आंसर हो जाएगा फोर्थ फाइव एस आर आर एन एंड एस एन आर एन ए स्मॉल न्यूक्लियर आर एन ए बनाता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड थर्ड बनाता है फर्स्ट नहीं बनाता तो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डी एन एर एप्लीकेशन इनमें से कौन सा ऑप्शन डी एन एर एप्लीकेशन के लिए करेक्ट नहीं है देख लेना नॉट करेक्ट लिखा है सही नहीं है मतलब चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन सही होगा एक गलत होगा जो गलत है वही यहाँ पे सही है तो यू कैरियोट्स हैव सेवरल थाउजेंड्स ऑरजिन ऑफ एप्लीकेशन ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन को हम बोलते हैं ओराई ओ आर आई ओर आई सी वैक्टर में भी होता है बायोटेक में वैक्टर पढ़ा होगा वैक्टर में भी ओराई होता है अगर ओराई नहीं होगा तो फॉरेन का होस्ट हॉस्टल में रेप्लीकेशन कैसे हो पाएगा ओराई होने के लिए ओराई आई रेप्लीकेशन होने के लिए ओराई का होना जरूरी है वहीं से तो रेप्लीकेशन शुरू होगा तो ध्यान देना Eukaryotes में बहुत सारे सेवरल थाउजेंड्स आई होता है होता है डीएनए में जहां से रेप्लीकेशन शुरू होता है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन मतलब और डी और डीएनए में जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है जहां पे ऐसे एरो लगा होता है उसको बोलते हैं इनिशिएटर आई एन आर इनिशिएटर बोलते हैं और जहां से रेप्लीकेशन शुरू होता है उसको बोलते हैं ओर तो यू में बहुत सारे ओर होते हैं सेवरल थाउजेंड ओरई होते हैं जबकि प्रो कैरियोट में बैक्टीरिया में सिर्फ सिंगल ओर होता है यह बात याद रखना तो पहला तो ठीक बोला है दूसरा क्या है अनवाइंडिंग इज ब्रॉट अबाउट बाई एंजाइम हेलीकेज विच इज एटीपी डिपेंडेंट बिल्कुल ठीक बोल रहा है जो हेलीकेज एंजाइम होता है ऐसे आप देखोगे एक दो तीन चार पांच हेक्सामेरिक सिक्स सब यूनिट होता है हेक्सामेरिक एंजाइम होता है और ये एटीपी का यूज करता है एटीपी खर्च कराएगा एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करेगा और डीएनए को अनवाइंड करते हुए चला जाएगा डीएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करते हुए चला जाएगा डीएनए खुलता चला जाएगा तो ये अनवाइंड करने का काम करता है हेलिकेज एंजाइम ठीक है ये तो सेकेंड वाला भी ठीक है थर्ड क्या है डीएनए सिंथेसिस अकर्स इन थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम डायरेक्शन ये गलत है डीएनए सिंथेसिस जो होता है ये गलत है थर्ड वाला गलत है तो जो गलत होगा वही सही होगा देखिए लिखा है डीएनए सिंथेसिस मतलब रेप्लीकेशन अगर्स इन थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम डायरेक्शन गलत है सारा प्रोसेस चाहे वो रेप्लीकेशन हो या ट्रांसक्रिप्शन हो या ट्रांसलेशन हो तीनों प्रोसेस फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में होता है एक ही डायरेक्शन में फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम किस रेस्पेक्ट में जो स्ट्रैंड है उसके रेस्पेक्ट में के पे ठीक है, है, है ये गलत है थर्ड वाला तो जो गलत है वही सही है चौथा वाला भी ठीक है एकदम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को हम ध्यान देना डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को हम कॉर्नबर्ग एंजाइम बोलते हैं कॉर्नबर्ग के ओ आर एन बी ई आर जी कॉर्नबर्ग एक साइंटिस्ट का नाम था आर्थर कॉर्नबर्ग जिसने डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को फर्स्ट टाइम ई कोलाई से आइसोलेट किया था इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को कॉर्नबर्ग एंजाइम बोला जाता है तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट रिमूव्स आर प्राइमर एंड रिप्लेस इट विद द न्यूक्लोटाइड्स ऑफ डी एंड कैन करेक्ट द थाइमिन डायमर तो जो डी पॉलीमरेज फर्स्ट होता है बेटा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को कॉर्नबर्ग एंजाइम बोलते हैं और ये मेजर रिपेयर करने वाला एंजाइम होता है इसके पास एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है बेटा ध्यान देना डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है इसके पास फाइव प्राइम टू थ्रीम एक्सोन्यूक्लियज एक्टिविटी होती है और ये एक्टिविटी इस एंजाइम के लिए स्पेसिफिक है क्योंकि बाकी जो अदर एंजाइम्स हैं उसमें फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है इसके पास भी फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एक्जोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी भी होती है और ये रिपेयर एक्टिविटी है इसी एक्टिविटी के थ्रू ये लैगिंग स्टैंड पे आपको पता है ओका जा फ्रेगमेंट्स बनते हैं डीएनए के बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट टुकड़ों में बनता है डिसकन्टीन्यूर एप्लीकेशन होता है लैगिंग स्टैंड पे और प्राइमर्स के साथ साथ मतलब ओका जाकी फ्रेगमेंट के साथ डीएनए के साथ साथ आरएनए प्राइमर्स भी बहुत सारे बनते हैं उन प्राइमर्स को डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हटाता है अपने इसी एक्टिविटी के थ्रू तो प्राइमर हटाने का काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का है इसके अलावा डीएनए में अगर कोई मिसमैच हो जाता है या थाइमिन डायमर बन जाता है थाइमिन डाइमर भी एक टाइप का डीएनए डैमेज है तो उसको सही करने का करेक्ट करने का, का काम डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का ही होता है तो यहाँ पर पहला दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही था गलत थर्ड था इसलिए थर्ड राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा है ये क्वेश्चन नंबर नाइन हो गया अच्छा एक क्वेश्चन नंबर टेन है टेन क्वेश्चन नंबर दस है तो हम बोल देते हैं दस क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही हम बोर्ड पे लिखेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर दस क्या है इन ई कोलाई इन ई कोलाई पहला ऑप्शन ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इनसाइड न्यूक्लियस गलत हो गया क्योंकि न्यूक्लियस तो है नहीं बैक्टीरिया में सेकेंड ऑप्शन देयर इज ओनली वन आर एन ए पॉलीमरेज ये बिल्कुल सही है सेकंड ऑप्शन दस में ऑप्शन नंबर सेकंड सही है बैक्टीरिया में सिंगल आर एन पॉलीमरेज होता है प्रो करियोट में यू करियोट में तीन आर एन लेबर होता है ना तो सेकंड इज द राइट ऑप्शन थर्ड फोर्थ भी गलत है थर्ड क्या है ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस प्रोकरियोडो में कहा से आ गया भाई ना तो न्यूक्लियस है ना तो न्यूक्लियोलस है फोर्थ है जीन्स आर इंटरप्टेड इंटरप्टेड जीन्स को हम स्प्लिट जीन भी बोलते हैं जिसमें इंट्रॉन्स भी हो एक जॉन के साथ साथ बीच में इंट्रॉन्स भी हो गलत है प्रोकैरियोट में इंट्रॉन्स नहीं होते हैं जीन्स आर इंटरप्टेड ये गलत है जींस आर स्प्लिट नहीं है स्प्लिट जीन आपको यू करियोट में मिलता है बेटा प्रो करियोट में नहीं मिलता है एक्सेप्शन आर की बैक्टीरिया है बस आर की बैक्टेरिया में सिक्सटीन एस आर आर अन्य वाले जींस में इंट्रॉन्स मिलेगा बाकी ई कोलाई में प्रो करियोट में इंट्रॉन्स नहीं होता एक्सेप्शन वही है तो सेकेंड इज द राइट ऑप्शन प्रोकारिट में सिर्फ एक ही आर एन होता है बाकी सब गलत है सेकंड इज द राइट ऑप्शन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 हम बोर्ड पे लिख के दिखा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11